ऑल राइट, आपको अपने फ़ोन पे से अपने मेट्रो कार्ड का रिचार्ज करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोन पे ऐप को ऑन करना होगा। जैसे आप करेंगे आपको नीचे स्विच का अकाउंट दिखेगा, आप जैसे वहाँ पर टैप करेंगे आपके सामने कैटेगरी आ जाएंगे और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले वहाँ पर आपको देखना होगा कहीं मेट्रो तो नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है टैक्सी एंड मेट्रो, वहाँ पर हम टैप करेंगे हमारे सामने चौथे नंबर पर ही दिल्ली मेट्रो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप दिल्ली मेट्रो से हैं तो दिल्ली मेट्रो में साइन कर लीजिए। जैसे आपको यहाँ पे बस से बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, पर हमें अपना मेट्रो का रिचार्ज करना है तो हम उसको ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे एल एन रिचार्ज मेट्रो कार्ड, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर आप अपना कार्ड के पीछे जो नंबर लिखा होता है 6 से 12 अंकों के बीच में होता है, आप यहाँ उसको यहाँ पर डाल करेंगे। और आपने जिस आईडी से अपना ये कार्ड है उसका उस आईडी से अपना नाम डाल देंगे। जैसे आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि 100 रुपये करना है कि 200 करना है कि 300 करना है कि 400 करना है कि 500 करना है। और आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं, जैसे आप मिनिमम 100 रुपीज़ होता है, मैक्सिमम आप कितना तक भी जा सकते हैं, आपको 100 रुपये से कम इसमें आप नहीं डाल सकते। जैसे आप इसको प्रोसीड टू पे करेंगे आप इसमें पैसे अपने अकाउंट में जो कार्ड है मेट्रो का उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोसीड टू पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे आप जैसे यहाँ पे का ऑप्शन दबाएंगे आपके सामने अपना UPI पिन डालिए और ये हो जाएगा डन। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपली आपको जाना है मेट्रो स्टेशन पर, वहाँ पर आपको एक टॉपअप मशीन दिखेगा, उस पर आपको अपना मेट्रो कार्ड लगा कर उसको टॉपअप कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपने जो रिचार्ज किया है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ये है फोन पे से अपने मेट्रो कार्ड को रिचार्ज करने का तरीका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।